हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग है घाघर बूढ़ी मंदिर में। हम जा रहे हैं गुलाब तूफान के बाद, यहाँ पे क्या क्या बर्बाद हुआ, किसको कितना लॉस हुआ है वो हम देखने जा रहे हैं और आप सबको भी दिखाता हूँ। पानी एकदम यहाँ बाईपास तक आ गया था। देखिए मंदिर का ये एंट्री गेट है और यहाँ आप देख सकते हैं सारे दुकान बंद है, क्योंकि सभी दुकानों का सामान जितना भी था वो सब भीग गया था। बहुत कम लोग ही यहाँ अभी दिख रहे हैं, सब अपने दुकान का यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से दुकान का यहाँ पे सामान ख़राब हो गया है। यहाँ एक दीवार था, ये दीवार भी टूट गया। देखिए यहाँ पर लोग साफ कर रहे हैं। यहाँ पर का दुकान पानी में दह गया था, यहाँ सब अपने दुकान को साफ कर रहे हैं। कोई भी, ये चाय वाला का दुकान है, यहाँ पर चाय बहुत टेस्टी मिलता था। इनका दो फ्रिज है, कुरकुरे है, सब देखिए पूरी तरह बर्बाद हो गया है। सब कोई परेशान है और पानी बहुत ऊपर तक लेवल तक बढ़ा हुआ था। देखिए इसका सामने वाला का करकट टूटा हुआ है, एकदम बंजर जैसा लग रहा है जगह। सबके चेहरे पर मायूसी है, सबका बहुत सामान का नुकसान हो गया है। देखिए यहाँ पे जो मट्टी और सबीटा दाव के आया उसको साफ कर रहे हैं सब लड़के, और यहाँ जहाँ जहाँ पानी है वहाँ बिछा रहे हैं। रास्ता देखिए कितना ख़राब हो गया है, सभी कोई साफ कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मंदिर में जाने के जगह में बांस अभी घेरा हुआ है, यहीं से एंट्री होता था। और मैं थोड़ा मंदिर दिखाता हूँ। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, मंदिर का जो वो पर्दा आपको दिख रहा है वो पूरा गंदा है। अभी पहला बार इतना बारिश हुआ होगा इतिहास में। 400 मैं बोल रहा था, हमारे पापा लोग, क्योंकि मेरा पापा जब 10 साल का था फिर ऊपर हुआ था, आज से 50 साल पहले का। पूरा यहाँ का भी नक्शा ही चेंज लग रहा है। ये जो ऊपर में आप मंदिर के देख रहे हैं, जो झंडा लहरा रहा है, उसके पास में ही पानी पहुंच गया था, उससे थोड़ा सा नीचे जहां त्रिशूल है वहां। और अब चलते हैं हम मंदिर के पीछे साइड की तरफ। यहां पीछे में नदी है, इधर दीवार था, दीवार पूरा टूट गया है, ईटा सब गिरा हुआ है, देख सकते हैं आप। वहाँ पर गड्ढा था, उसमें पानी कितना नुकसान हुआ है। वहाँ पर गेट बना हुआ था जब से अभी तक। और ये इधर देखिए, मंदिर का जितना पंखा था वो सब में पानी घुस गया, सारा पंखा खराब हो गया है, इधर रखा हुआ है। देख के बहुत ख़राब लग रहा है, सभी का बहुत नुकसान हो गया। सभी लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, अभी मरम्मत कर रहे हैं कि फिर ठीक हो जाए वैसे ही।